मैं अध्यक्ष महोदय कुंज मित्र साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय भाषण करें। मंच पर उपस्थित कविगण और मित्रों, मैं कोई कविता नहीं करता, इसलिए आप धैर्य से बैठे। और मुझे, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ हूँ, क्योंकि अब तक पुरानी कविताएं ही पढ़ता था और उसकी आलोचना करता था। अब दक्षिणी के जदीद शायर, नए कवियों को अपने बीच में पाकर, उनके मुँह से उनकी कविताएं सुनकर, दक्षिणी का जो जीवंत रूप सामने आया, बहुत ही हास्य व्यंग्य कविताएं समकालीन विषय पर अपने दर्द को जताते हुए और हमारे सामने, जैसे समय इतने बीत गए पता ही नहीं चला, उसमें विभोर होकर डूब कर बैठा हुआ था। अच्छा है यह ऐसा अवसर आगे भी आए और इन शब्दों के साथ मैं सबको बधाइयां देता हूं। और यह सब इसलिए हुआ है कि इस संगोष्ठी की एक और उपलब्धि मानता हूं कि सभी दक्षिणी कवियों को और हिंदी उर्दू सभी परिवार के लोगों को देख सका, और आप सबको धन्यवाद। मैं अभी कुर्शीदा हिंदी विभाग की शोध छात्रा कुर्शीदा से अनुरोध करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। मंच पर आसीन सभी बड़े बड़े दिग्गज शायर और कवि यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत हमें हंसाया आज। इन सबको देखकर मैंने भी कोशिश की है थोड़ी बहुत, आज तक मैंने कभी लिखी नहीं, लेकिन धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने से पहले मैं भी यही सोची कि कुछ कहूँ और हिम्मत की हूँ कि आपके सामने आकर कुछ सुनाऊं। लेकिन मेरी ये इतनी हास्यास्पद कविता या कह लीजिए दक्षिणी कविता नहीं है, मैंने ये विषय हमारे पुराने शहर हैदराबाद से ली है, जहाँ पर छोटे छोटे गलियों में एक घर में एक इंसान कमाता है तो कई खाने वाले होते हैं, और उस घर की जो औरत होती है अपनी कहानी दूसरी औरत से अक्सर कहती है और सुनाते रहते हैं, उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है। और शायद उच्चारण में भी थोड़ी गलतियां हो सकती है। आपा ये कैसे जिंदगी जी, दिन ब दिन गरीबी छा रही, लोगा भूखों मर रही, किधर भी देख रही तो नमक से चावला तक आसमान छू रही, काम वालों को कामा नहीं मिल रही, हैसो लोगों को हजम नहीं हो रहा, सुबह के वक्त बागा में देख रही तो लोगों के शरीर से जमीन हिलती रहती, अजब लग रहा कहां से वक्त मिलता उनको, 4 बजे उठते 4 पैसे नसीब नहीं हमको, आपा ये कैसी जिंदगी जी, मेरा तो बोलो इच नको, 2 मर्द बच्चे 3 औरत बच्चियां, बड़ा बच्चा आवारा उनका बाबा शराबी, बच्चियां शादी को हैं, बस्ती के आवारा बच्चे से डर तो लगता इच, उनको रखो मैं घर में बर्तना धोने कैसे जाऊं, नहीं जाऊं तो बच्चों को क्या खिलाऊं, आपा ये कैसी जिंदगी जी, खाने को घर भर खाने वाले, करने को कोई नहीं, मकानदार किराए के लिए तंग करते ही, नल खराब हुआ तो बोलते मेरे को क्या जाओ बोलते ही, लाइट का बिल आया बोले तो घर से निकल जाओ बोलते ही, कभी किराया नहीं दिए तो अगले महीने तक मिट्टी पो मिट्टी बढ़ाते, दिन ब दिन गरीबी छा रही, आपा ये कैसी जिंदगी जी, आपा ये कैसी जिंदगी जी। इससे पहले तो मैंने कविता कभी नहीं की, मेरे गाइड कटी मुनि जी ने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया था और धर्मपाल सर ने भी मुझे बहुत, उस्मानिया के हेचोड़ी है वो, उन्होंने भी मुझे बहुत बार प्रोत्साहित किया और कहा कि आप जी सर देखिए उनको, हाँ तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ और कोशिश करूंगी और कुछ लिख सकूँ आगे। इसके साथ ही आज के तीसरे सत्र में दक्षिणी कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें सम्मिलित बड़े जो दिग्गज कवि आए थे, श्री हिमायतुल्ला जी, श्री नरेंद्र राय जी, श्री परवेज जी, श्री सैयद अली बेखुद जी, श्री सरदार असर, डॉक्टर करण सिंह उत्वल, श्री वहीद पाशा खादरी,
श्री फकरे आलम आजमी, रेनू यादव अंसारी, साथ ही हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीज जी ने आप सबने हमारा काफी मनोरंजन किया और बहुत हंसाया हमें, जिससे माहौल तरोताजा हो गया, जिसके लिए हम मौलाना आजाद की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे अवसर काफी आते रहेंगे और हम मिलते रहेंगे। ऐसी आशा करते हुए इस सत्र को समाप्त करती हूँ। साथ ही आप सब श्रोतागण को भी मैं शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए और सब्र रखकर हमें सुने, क्योंकि कहा जाता है बिना श्रोताओं के हम कवियों और शायरों की हस्ती ही क्या। इसके साथ ही धन्यवाद और शुक्रिया।